हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 27 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स एबिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो आया है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि IDEVAW के बारे में आर्टिकल आया। तो हम जानते हैं, देखो हर साल 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के तौर पे मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया हुआ है, तो हर साल इसको आयोजित है वो किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो देखो इसका प्रीलिम्स में भी यूज होता है और मेंस में भी, क्योंकि देखो वुमेन्स के अगेन अगर कुछ भी इश्यूज हो रहा है, वुमेन्स स्कूल के कोई भी रिपोर्ट आ रही हो, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल की लेवल पे, तो उसके बारे में हमें पता है वो होना चाहिए। तो जो अभी इंटरनेशनल डे आयोजित किया गया था 25 नवंबर को, इसका मेन मोटो ये था कि वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी वायलेंस हो रहे हैं उनके खिलाफ अवेयर किया जा सके, वुमेन्स को उनको पता रहे। देखो क्या कि हमारी सोसाइटी में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वुमेन को ढंग से कभी पार्टिसिपेशन मिला ही नहीं, उनको सोसाइटी से अलग थलग रखा गया, उनको बाहरी समाज में क्या हो रहा है इस चीज़ से उनको अनभिज्ञ रखा गया, इसलिए उनको पता ही नहीं होता कि उनके राइट्स है क्या 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 उनके, वो सोच जो भी उनके साथ जाती होती हैं वो समझते हैं कि ऐसा तो ट्रेडिशन और ऐसा होता ही रहा है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। तो इसीलिए उनको अवेयर करना कि नहीं भाई ये भी एक हिंसा का पार्ट है, इन सब के लिए बेसिकली ये इंटरनेशनल डे है ये आयोजित है वो किया जाता है। इसके साथ ही वो महिला के खिलाफ हिंसा, अब देखो वुमेन के अगेंस्ट जो हिंसा होती है वो कई तरीके की हो सकती है, जैसे क्या तो उनकी चाइल्ड मैरिज कर दी गई हो, या फिर उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा हो, या फिर उनको टॉर्चर किया जा रहा हो, या फिर उनके साथ मेटरनल रेप कैसे कैसे जा रहे हो, तो इस तरीके के दहेज कुछ भी आप मान सकते हो, जैसे कि वुमेन की प्रतिष्ठा को दिक्कत हो रही है वो कहीं ना कहीं बेसिकली एक्चुअली वायलेंस अगेन वुमेन है उसमें काउंट है वो होता है। तो ऐसे केस आपको पता है सोसाइटी में काफ़ी बढ़ रहे हैं और इन सब के लिए बेसिकली डे आयोजित किया जाता है ताकि वुमेन्स को अवेयर किया जा सके कि भाई उनके राइट्स हैं, वो ऐसे ऐसे प्रोटेक्शन है वो कर सकती हैं। तो इस बार की थीम थी वो थी ऑरेंज द वर्ल्ड हियर मी टू। तो आपको पता है मी टू कैंपेन काफ़ी न्यूज़ में रहा, तो UPSC इसके बारे में पूछ सकती हैं, तो हमें थोड़ा इसके बारे में ध्यान है वो रखना है। अब देखो थोड़े फैक्ट हैं बेसिकली IDEVAW के बारे में, जिसका बेसिकली मैक्सिमम जो यूज़ है वो आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। वैसे एक दो फैक्ट वो प्रीलिम्स के लिए भी हैं, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट तो ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके द्वारा बेसिकली इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसको इंस्टीट्यूट या उसको सर्टिफाइड है वो किया गया दिसंबर 1999 में, तो ये तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई UN के द्वारा रजिस्टर्ड है। किसके द्वारा? UN में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UPSC यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है कि भाई इकोसोक है या फिर कोई और है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जनरल असेंबली के द्वारा इसको सर्टिफाइड है वो किया गया है। फिर थोड़ा फैक्ट कुछ इसी प्रकार दिया गया है कि बात करें वुमेन्स की तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हर तीसरी में से एक महिला है, या महिला या लड़की दोनों को काउंट किया गया है बेसिकली, मतलब फीमेल को उसको कहीं ना कहीं या तो फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस का हिस्सा है वो बनना पड़ा है, मतलब हर तीन में से एक महिला है वो अपनी लाइफ टाइम में या अपनी पूरी जीवन में एक बार तो कहीं ना कहीं हिंसा का शिकार हो बनी है। इसके बाद में यहाँ पे बात की जा रही है कि 52% जो मैरिड वुमेन है उनको तो अपने राइट्स का नहीं पता, चाहे उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन की बात हो, या फिर उनके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की बात हो, या फिर उनकी हेल्थ केयर को लेकर हो, मतलब उसमें उनकी सहमति नहीं ले जाती, तो ये भी कि नहीं आश्चर्यजनक डाटा सामने आता है। इसके बाद में क्या है, हर दो में से एक महिला है वो वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हर दूसरी में से एक महिला है वो बेसिकली अपने पार्टनर्स के द्वारा अपनी फैमिली के द्वारा मार दी जाती है, ये तो है 2012 का डाटा। और जब हम बात करें यही रेशियो मैन के बारे में, तो हर 20 लोगों में से एक मैन है उसको उसकी फैमिली या मतलब रिलेटिव के द्वारा मार दिया जाता है। एक तरीके से आपको सीधा सीधा बोलूं तो जैसे अपने इंडिया में जो ऑनर किलिंग होती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि वुमेन्स के अगेंस्ट जो ऑनर किलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद में बात यहाँ पे की जा रही है नेक्स्ट पॉइंट में कि 71% और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसमें जो वुमेन्स एंड गर्ल्स को काउंट किया जाता है, वुमेन्स को उसमें एक तरीके से वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है, और इसी के साथ ही उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट है वो भी किया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। मतलब दे रखा है कि हर तीन लड़कियां चार में से, मतलब एक तरीके से आप बोलते हो कि 75% जो गर्ल्स हैं उनको तो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट है वो किया जाता है ट्रैफिकिंग के दौरान। इसके बाद में आया है ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 750 मिलियन वुमेन और गर्ल ऐसी हैं आज के टाइम पे जिनकी शादी है वो 18 साल की कम उम्र से पहले ही वो हो गई है, तो मतलब कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज का डाटा थोड़ा आपके सामने यहाँ पे पब्लिश है वो क्या गया है। देखो जब भी ऐसे राइटिंग हो या आंसर राइटिंग हो तो हम ऐसे एक या दो फैक्ट, ये नहीं कह रहे कि आपको सारे के सारे फैक्ट याद करने हैं, अगर आप इन 5-6 फैक्ट को याद रखोगे तो हो सकता है आपको एग्जाम में एक या दो फैक्ट याद हो, और अगर आप उसको
क्वेश्चन में पुट कर रहे हो तो क्वेश्चन की थोड़ी वैल्यू है वो थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है। उससे आपको थोड़ा क्या कि क्वेश्चन में आगे के आंसर में भी बेनिफिट हो जाते हैं और थोड़ा एग्जामिनर के लिए भी अच्छा इंप्रेशन है वो जाता है। तो इसीलिए थोड़े हमें एक दो फैक्ट के बारे में और स्पेशली वुमेन्स की बात हो तो इन फैक्ट का हमें पता है वो होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में। पहली बात है कि दुधवा टाइगर रिजर्व है क्या। देखो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश में जो तराई वाला रीजन है जो कि बेसिकली नेपाल के बॉर्डर वाला एरिया है वहां पे दुधवा टाइगर रिजर्व है वो है लोकेशन। अभी न्यूज में क्या है, अभी न्यूज में यह है कि दुधवा टाइगर रिजर्व और सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB है इन्होंने आपस में कोऑपरेशन साइन किया है ताकि जो दुधवा के फॉरेस्ट है और इसकी जो वाइल्ड लाइफ है इसको सिक्योर किया जा सके। मतलब यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल और दुधवा टाइगर रिजर्व की जो भी यहाँ पे वर्कर्स हैं वो आपस में मिलकर काम करेंगे ताकि यहाँ के फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके और यहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट है वो किया जा सके। क्योंकि देखो बॉर्डर के ऊपर तो यहाँ पे तस्करी वगैरह काफी ज्यादा होती है तो उस सब को रोकने के लिए बेसिकली स्टेप है वो उठाया गया है। इसमें सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB और इससे के साथ ही स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF और दुधवा टाइगर रिजर्व के जो फील्ड स्टाफ हैं वो मिलकर आपस में काम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको लोकेशन बताई दुधवा टाइगर रिजर्व की कि नॉर्थ ईस्ट की जो बाउंड्री है जो कि नेपाल के पास में टच होती है वहाँ पे बेसिकली इसकी लोकेशन है। और एक रिवर के बारे में UPSC पूछ सकते हैं बेसिकली कि मोहना रिवर, तो हमें ध्यान रखना कि मोहना रिवर है वो बेसिकली इससे गुजरती है, इसके पास से गुजरते हुए फैक्ट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व की तो यहाँ पे देखो यहाँ पे टाइगर्स के अलावा जैसे स्वाम्प डियर पाया जाता है, सांभर डियर हुआ, या फिर यहाँ पे बार्किंग डियर की बात की जा रही है, स्पोर्टिंग डियर मतलब डियर की स्पीसीज पाई जाती हैं। इसके साथ इंडियन राइगोनोस भी हैं वो भी पाए जाते हैं यहाँ पे, भालू पाए जाते हैं, जेकोल पाए जाते हैं और जंगली बिल्ली है, फिशिंग कैट है, ये सब बेसिकली यहाँ पे स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। तो ये थोड़ा इफेक्ट है वो पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल की। देखो सशस्त्र सीमा बल यानी SSB आपको पता है कि CAPF है, उसके अंदर बेसिकली आ रही है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो कि आती है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखनी है। SSB है वो आती है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत और इसको बनाया कब गया था, 1963 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। ये कहाँ पे पेट्रोलिंग करती है, देखो SSB है वो बेसिकली भूटान और जो नेपाल का बॉर्डर है इंटरनेशनल लेवल का, मतलब इंडिया भूटान और इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे जो प्रोटेक्शन की जाती है, जो सेफ्टी की जाती है वो सशस्त्र सीमा बल के द्वारा की जाती है। आप ये बताइए कि BSF के द्वारा प्रोटेक्शन वो कहाँ की जाती है, इंडिया में BSF वो कहाँ कहाँ पे तैनात है वो होती है, आप ये बताइए। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि बॉर्डर के जो एरियाज है वहाँ पे पेट्रोलिंग करनी हो, सिक्योरिटी करनी हो, इंटीग्रिटी के काम के लिए SSB वो बेसिकली काम करती है। तो UPSC एक तो मेज द फॉलोइंग में आपसे ये पूछ सकती है कि BSF की लोकेशन, SSB, इसके साथ ही इंडो तिब्बत पुलिस के बारे में पूछ सकती है। तो इनके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि किसकी लोकेशन है वो कहाँ कहाँ होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है सार्क की नई स्पीसीज अभी वो फाइंड की गई है। देखो इंडियन ओशियन में सार्क की नई स्पीसीज पाई गई है, बेसिकली बॉम्बे और जो गोवा है मैंगलोर वाला हिस्सा है इस वाले बेल्ट में नई स्पीसीज सार्क की वो पाई गई है। तो UPSC पूछ सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल में पाई गई है या पैसिफिक ओशियन में कहाँ पे, तो नहीं भाई इंडियन ओशियन में पाई गई है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है वैसे पिग्मी फॉल्स कैट सार्क। तो ये डीप सी सार्क है मतलब गहरे पानी में बेसिकली रहती है। यह नॉर्थ इंडियन ओशियन है मतलब जो उत्तरी आप बोल सकते हो कि हिंद महासागर है वहाँ पे बेसिकली इसकी लोकेशन है वो देखी गई है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान में रखने की है कहाँ पे। इससे पहले 2011 में एक नई स्पीसीज पाई गई थी इंडिया में सार्क की मैंगलोर में जिसका नाम था हुंड सार्क। तो ये भी ध्यान रखना कि सार्क की स्पीसीज वो इंडियन ओशियन में पाई है वो गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेके। कंटेक्स्ट आया है कि रिम्स ने बेसिकली भी आइडेंटिफाई किया है कि जो तितली साइक्लोन था जो कि बेसिकली आपको पता है कि उड़ीसा वाले बेल्ट में आता है और इसी के साथ ही इंडियन ओशन में आता है बेसिकली, तो तितली साइक्लोन की बात यहाँ पे की जा रही है कि तितली साइक्लोन वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में उसको इंक्लूड है वो किया गया है। क्योंकि इसके पिछले 200 सालों का रिकॉर्ड देखा गया है उसके आधार पर इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर का दर्जा दिया गया है। तो यह ध्यान रखना है कि रिम्स के द्वारा जो अफ्रीका और एशिया वाले रीजन जो तितली साइक्लोन आता है उसको बेसिकली रेयरेस्ट साइक्लोन का दर्जा भी दिया गया। तो UPSC पूछ सकती है किसके द्वारा दिया गया है, कौन से साइक्लोन को दर्जा दिया गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिम्स के बारे में। देखो रिम्स है वो बेसिकली इंटरनेशनल बॉडी है जो कि UN के द्वारा रजिस्टर है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही इसकी एक
45 कंट्रीज हैं वो बेसिकली मेंबर हैं, जो कि इंडिया, एशिया पैसिफिक और अफ्रीका रीजन की हैं। हम देखो एक बार थोड़ा मैप देख लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये आप देख सकते हो इंडियन ओशन का सारा बेल्ट है, तो इसके पास भी यह ध्यान रखना है केवल इंडियन ओशन नहीं, पैसिफिक भी इसमें थोड़ा काउंट है। वो क्या गया, इंडो पैसिफिक की बात यहाँ पे हो रही है, मतलब मैक्सिमली कंट्रीज इंडियन इंडियन ओशन की है, बट यहाँ पे इंडो पैसिफिक का मतलब कुछ पैसिफिक का हिस्सा भी है, जैसे कि पापा न्यू गुनिया कंट्री है, तेमोर लास है, इसके साथ ही फिलीपींस है, ये सारी कंट्री भी इसके मेंबर हैं। ये हमें ध्यान में रखना है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। यहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कंट्री बेसिकली इसके में, तो इसमें ओशन रीजन में बेसिकली जो भी साइक्लोन आते हैं उनसे रिम्स है वो डील है, वो करता है। अहम बात क्या है कि इंडिया का इसका चेयरमैन है वो है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसकी जो बॉडी है इसका चेयरमैन है वो इंडिया है। इसके साथ इसको 2009 में बनाया गया था और यूएन के साथ ही रजिस्टर्ड हुआ था जुलाई 2009 में, मतलब एक महीने बाद यूएन में इसको रजिस्टर्ड है वो किया गया था। काम क्या है इसका, काम यह है कि जो इंडियन ओशियन वाले, इंडो पैसिफिक वाले एरिया में जो भी साइक्लोन आ रहे हैं बेसिकली उन साइक्लोन्स के बारे में अर्ली वार्निंग सेंटर है वो तैयार करना, इसके साथ ही लोगों को अवेयर करना। बेसिकली इसका जो हम बात करें जो सेंटर है वो बेसिकली थाईलैंड में है, तो यह ध्यान रखना है कि एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो थाईलैंड के अंदर बेसिकली स्थापित है, वो किया गया है पुदुमथानी में। तो ये फैक्ट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यूपीएससी आजकल क्या करती है, बड़े स्मार्ट तरीके से हमें एक एक कोई ऑप्शन नहीं देती, आजकल यूपीएससी 3 या 4 स्टेटमेंट देती है और उन स्टेटमेंट का हमें आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि हमें चारों के चारों स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यूपीएससी एक तरीके से एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन पूछती है और इसीलिए हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट पता होना चाहिए। अगर हमें एक इन्फॉर्मेशन करेक्ट ढंग या सही ढंग से नहीं पता है तो हम वहाँ पे क्वेश्चन को गलत है वो कर देते हैं। बेसिकली देखो 2004 के टाइम पर जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा स्टेप है वो उठाया और उस दौरान उसके बाद इसको ढंग से इंप्लीमेंट है वो किया गया था। न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने आपको बता दी, तितली साइक्लोन तो यूपीएससी पूछ सकती है तितली साइक्लोन, और आपको पता कि इंडियन ओशन में कौन से टाइप के साइक्लोन आते हैं, टेम्परेट आते हैं या ट्रॉपिकल आते हैं। इंडियन ओशन में आपको पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ही मैक्सिमम है वो आते हैं, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आते, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं केवल उष्ण कटिबंधीय में। टेम्परेट साइक्लोन है वो समशीतोष्ण, मतलब कि चाइना वाला बेल्ट हुआ इस वाले बेल्ट में बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन है वो आते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।